हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किशन और कंप्यूटर ज्ञान में आज आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी पेंटिंग करनी है, किसी भी इमेज की साइज़ को चेंज करना है, किसी भी इमेज पे आपको नया नेम लिखना है या फिर आपको न्यू इमेज बनानी है, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ में लेना होता है। तो किस तरह से इसको यूज़ में लेते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पेंट की स्टार्टिंग प्रोसेस, अगर आप बाय माउस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स या ऑल ऐप्स, ऑल प्रोग्राम्स विंडोज 7 में शो होगा, उसके बाद एसेसरीज़ और विंडोज़ 10 में विंडोज़ एसेसरीज़ में पेंट नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब ऑल ऐप्स शो हो रही हैं, इसमें विंडोज़ एसेसरीज ये ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे पेंट ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस होती है बाय कीबोर्ड, कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करना है, ये विंडो बटन और आर प्रेस करना है। देन टाइप करना होता है पी ब्रश, PBRU SH आपको टाइप करना होता है। जैसे आप ये टाइप करते हैं ओके करने पर ये खुल जाता है। इसके अलावा दूसरी प्रोसेस भी आप यूज़ में ले सकते हैं, जिसमें आपको पी ब्रश की जगह MS पेंट टाइप करना है। ऐसे विंडो प्लस R दबाना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको MS पेंट। ऐसे आप MS पेंट टाइप करोगे तो भी वो खुल जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होता है इसमें सबसे पहले जो ये शो हो रही है इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसके बाद जो ये आ रही है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ये सारे टूल बार है, इसमें ये पूरी रिबन होती है, इसमें सारे टूल्स शो हो जाएंगे। तो इसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जो टूल बताने वाला हूँ वो ये 6 जो टूल होते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। सबसे पहला आता है पेंसिल टूल, इस पर क्लिक करोगे अगर आपको कुछ भी लिखना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ में ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी इमेज ड्रैग करके बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये होता है पेंसिल टूल। उसके बाद आता है फिल कलर टूल, ये अगर आप पर्टिकुलर एरिया में कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कलर लेना होता है और इसमें फिल कर सकते हैं। ऐसे इसमें फिल करना चाहो तो भी आप फिल कर सकते हो, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में कलर फिल करने के लिए फिल कलर टूल यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट, अगर आपको कहीं पे भी टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए टेक्स्ट टूल होता है। जैसे आप टेक्स्ट लिखते हैं जब तक इस बॉक्स में क्लिक कर रहे हो तब तक आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, यानी कि इस बॉक्स के बाहर क्लिक नहीं करना है, इस बॉक्स के अंदर ही क्लिक कर सकते हो आप। इसमें इसकी साइज़ बढ़ा सकते हो, साइज़ कम कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो यहाँ से इस तरह से। ये जो होता है बैकग्राउंड का कलर होता है, यानी कि ये टेक्स्ट का कलर ये होता है और ये इसके बैकग्राउंड में ये आ रहा है इसका कलर होगा। अगर आप इस सेकंड कलर को ले लोगे, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूज़ में ले रखा है तो जो पिक्चर है या जो एरिया ऑलरेडी है पीछे वैसा का वैसा दिखेगा। अगर आप ओपेक्यू कर दोगे तो पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा और आप जो भी टेक्स्ट के पीछे कलर देना चाहोगे वो शो हो जाएगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट रखोगे तो पीछे जो पिक्चर आ रही है वैसी की वैसी रहेगी। जैसे ही बार क्लिक किया अब ये नेम फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये इरेजर आता है, इरेजर जैसा सेकंड कलर होगा वैसा इरेज करेगा। तो अगर आप वाइट रखोगे तो ये वाइट इरेज करेगा। अगर इरेजर की साइज़ बढ़ानी है आपको तो कंट्रोल के साथ प्लस को यूज़ में लेना है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है आपको, तब इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। और कंट्रोल के साथ माइनस यूज़ में लेना है साइज़ कम करने के लिए। कंट्रोल प्लस साइज़ बढ़ाने के लिए होता है और कंट्रोल माइनस साइज़ कम करने के लिए होता है। इस तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। इरेजर की साइज़ बढ़ा सकते हो आप, पेंसिल टूल की भी अगर साइज़ बढ़ानी है, ब्रशेज़ की भी अगर साइज़ बढ़ानी है तो
तो इसके सब के लिए कंट्रोल के साथ आपको प्लस की प्रेस करनी है, इससे इसकी साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इन सब का यूज़ लेते हुए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पिक कलर ट्रिक, जैसे कोई पिक्चर इसमें से ही ले लेते हैं, उसी पे ये वर्क करते हैं। जैसे ये इरेज़र, जहाँ से भी आप इरेज करोगे या इरेज करना चाहते हो उस पार्टीशन को आप इरेज कर सकते हो। टेक्स्ट, यहाँ मैंने बताया था आपको, टेक्स्ट दे सकते हो आप, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो कहीं पे भी। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट रखते हो तो आपकी पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, पर इसमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करके ड्रैग करना होता है, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप टेक्स्ट दे सकते हो। कॉपी क्यों करोगे तो इसके बैकग्राउंड में अलग से कलर आ जाएगा और ट्रांसपेरेंट में आपकी पिक्चर शो हो जाएगी। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे, अब इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक कलर, जैसे आपको इस पिक्चर में से ही कोई कलर लेना है, जैसे ये कलर मुझे लेना है तो इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो कलर आ जाएगा और कलर फील टूल से मैं यहाँ से यहाँ फील कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये कलर पसंद है तो यहाँ से ले सकता हूँ, इसमें फील कर सकता हूँ। यानी कि पिक्चर में से ही कोई कलर लेना हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं और इसमें फील कर सकते हैं। ये होता है पिक कलर, यानी कि पिक्चर में से ही कलर लेने के लिए होता है। ये जूम करके लेने के लिए होता है, मैग्नीफायर यानी बड़ा करके देख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन, अगर आप इसमें रेक्टेंगल सिलेक्शन लेते हैं तो जो भी पार्ट सेलेक्ट करोगे वो रेक्टेंगल टाइप में होगा, और इसको कंट्रोल सी से कॉपी भी कर सकते हो और कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकते हो। अब जितना सा पार्ट आपने लिया था उसको कॉपी कर दिया, इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आप सेलेक्ट करके पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर सकते करना चाहते हो तो सिलेक्शन भी यूज़ में ले सकते हो। इसमें आप पर्टिकुलर जो भी एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसको यूज़ में ले सकते हो। इस तरह से आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो और इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हो, या फिर उठा के कहीं पे भी रख सकते हो इस तरह से। यानी कि ये होता है सिलेक्शन के लिए। क्रॉप कर दोगे तो बाकी सारा पार्ट हट जाएगा, जितना पिक्चर आपने लिया है वो रह जाएगा। ये होता है सिलेक्शन। नेक्स्ट होता है रीसाइज, जैसे आपकी पिक्चर की जो भी साइज़ है वो यहाँ पे शो हो रही है, ये साइज़ आपकी पिक्चर की ऑलरेडी शो हो रही है। अगर इस साइज़ को आप कम करना चाहते हैं, या फिर जैसे 87.7 KB की है और मुझे पिक्चर की साइज़ कम चाहिए, तो रीसाइज़ पे जाओगे, यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और पिक्सल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, चलो 90% कर देते हैं इसको। एंटर करोगे तो पिक्चर थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी साइज़ आप चेक कर सकते हो, और जैसे आप कंट्रोल एस करोगे ये उसकी साइज़ यहाँ पे शो कर देगा। अगर आप बड़ी करोगे तो बड़ी भी हो जाएगी, छोटी करोगे तो छोटी भी हो जाएगी। नेक्स्ट, रीसाइज में एक ऑप्शन और भी होता है, पिक्सल्स के अकॉर्डिंग भी आप कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 700 की जगह मुझे 680 पिक्सल्स ही लेने हैं, तो 680.585 पिक्सल्स, इस तरह से इसकी साइज़ ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर इसको मुझे हॉरिजेंटली पिक कम करवाना है या बढ़ाना है तो ये भी इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी पिक्चर। ये होती है पिक्चर को रिसाइज करना। नेक्स्ट, पिक्चर को रोटेट भी करवा सकता हूँ, यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करूँगा तो रोटेट हो जाएगी। इस तरह से इन टूल का यूज़ में लेते हुए मैं इनको यूज़ में लेता हूँ। नेक्स्ट, शेप, जो भी शेप आपको लेना है वो शेप पे क्लिक करोगे और ड्रैग करना होता है आपको शेप। इस तरह से आप शेप बना सकते हो किसी भी शेप ऑप्शन से। हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थैंक यू फॉर